नशा एक ऐसी बला का नाम है जो किसी भी इंसान को पहले अपना आदि बनाता है और फिर जब यही नशा इसे मुयस्सर ना आए तो इंसान पागल हो जाता है। आजकल दुनिया में नए से नए नशे मुतारिफ करवाए जा रहे हैं जिनकी आदत और इस्तेमाल जीते जागते इंसान को मौत के घाट उतार देते हैं या फिर पागल और लावारिस बना देते हैं। इन्हीं नशों में से एक आइस का नशा है जो पिछले तमाम नशों से खतरनाक है, जबकि इसके इस्तेमाल करने से ना सिर्फ इंसान पागल हो जाता है बल्कि इस नशे का आदि शख्स अपना जिस्म तक नोचना शुरू कर देता है, यहां तक कि खुदकुशी उसका मुकद्दर बन जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह इस मौलिक नशे ने पाकिस्तान को घेरे में लिया हुआ है और पाकिस्तानी लड़कियां क्यों दिन ब दिन इस दलदल में धंसती चली जा रही है। दोस्तों, आइस जिसका असल नाम मैथ एम्फिटामिन है, जिसे मुख्तसरन मैथ या क्रिस्टल मैथ भी कहा जाता है, ये बिहाड़ी नुमा मखसूस पौधों और दरख्तों से हासिल किए जाने वाले एक खास केमिकल को कहते हैं, जबकि ये लेबॉरेटरियों में एफिड्रेन से भी तैयार किया जाता है। इस खूनी नशे के क्रिस्टल्स अमूमन चीनी या नमक के बड़े दानों की साइज के होते हैं। तिब्बी माहिरीन का मानना है कि यह खतरनाक तरीन नशों में से एक है और इसके इस्तेमाल से इंसान के अंदर तवानाई दुगनी हद तक बढ़ जाती है, हाफजा इंतहाई तेज हो जाता है और इंसान 24 से लेकर 72 घंटों तक जाग सकता है, लेकिन नशा उतरने के बाद इंसान इंतहाई थकावट और सुस्ती महसूस करता है और वो आसपास मौजूद हर इंसान को शक की नजर से देखने लगता है। जबकि आइस के मुसलसल इस्तेमाल से इंसान पागलपन का शिकार होकर जल्द ही मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में कबायली इलाके बिलखसूस खैबर एजेंसी को आइस का गढ़ माना जाता है, जहां यह जहरीला और मोहलिक नशा अफगानिस्तान से समगल होकर आता है। और इससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि इस नशे को सबसे ज्यादा खरीदने वाली लड़कियां हैं, जिनका ताल्लुक या तो अमीर खानदानों से होता है या वो खुद अपने बापों की बिगड़ी औलादें होती हैं। जबकि महंगा होने की वजह से यह पहले सिर्फ उमरा की दस्तरस में था और उनकी पार्टियों में सर्व किया जाता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यह हर शख्स की दस्तरस में पहुंचा दिया गया और अब हर गरीब अमीर मर्द औरत इस भयानक नशे को बआसानी खरीद सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इस खूनी नशे का इस्तेमाल और कारोबार बहुत मजबूती से अपने खूनी पंजे गाड़ चुका है और बड़े शहरों पिशावर, लाहौर और कराची समेत मुल्क भर में इसका फैलाव खतरनाक हद तक तेजी से जारी है। आम अफराद के साथ साथ तिजारत पेशा अफराद, सियासतदान और सरकारी अफसरान तक इस नशे की लत में मुब्तिला पाए गए हैं और बदकिस्मती से यह नशा मुल्क के तालीमी इदारों में भी फरोग पा रहा है। और इससे ज्यादा तश्वीशनाक बात यह है कि यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाली तालिबात की भी एक काबिले जिक्र तादाद इस जानलेवा नशे की आदि है। इन्हीं में से एक तालबा हुरैन भी है, जो बजाहिर तो घर से पढ़ने लिखने के लिए गई थी लेकिन बुरी सोबत की वजह से इस नशे पर लग गई। हुरैन अपने वालदैन की इकलौती औलाद और घर भर की लाडली थी, जबकि पैसों की रेल पेल होने की वजह से इसकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहती थी। वो बचपन ही से अपने वालिद की तरह एक मशहूर डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए पढ़ाई में हमेशा आगे आगे रहती। थर्ड ईयर के इम्तिहान होने वाले थे और उसके दोस्त ग्रुप स्टडी की प्लानिंग कर रहे थे। तब उसके एक दोस्त ने बताया कि मेरे हाथ तो एक ऐसी जादू की पुड़िया लगी है जिसके इस्तेमाल से मेरा दिमाग फौरन तरोताजा हो जाता है और तेज चलने लगता है, जबकि नींद भी नहीं आती बल्कि सारी रात बैठकर इम्तिहान की तैयारी करता हूं। हुरैन समेत सब ने कहा कि उन्हें भी वो दवा चाहिए ताकि वो इम्तिहान की बेहतरीन तैयारी कर सके। उसने कहा कि जब तुम लोग ग्रुप स्टडी के लिए आओगे तो तब दूंगा। इस तरह मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद हुरैन महज दिमाग को वक्ती तौर पर तेज करने के लालच में आइस के नशे में मुबतला हो गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि इसका अंजाम किस कदर भयानक होगा। और फिर इसका नतीजा ये निकला कि चंद ही माह में उसके अवसान जवाब देने लगे और वो दीवानावार कभी अपने बाल नोचती तो कभी अपने ही साए से खौफजदा हो जाती। जब घर वालों को इन बातों का इल्म हुआ तो वो उसे शहर के सबसे बड़े नफसियाती अस्पताल लेकर गए, मगर उसकी हालत देखकर डॉक्टर्स भी बेबस हो गए, इतना ही कह सके कि इसका नॉर्मल होना अब मुश्किल है। इसके वालदैन इसे हर कीमत पर बचाना चाहते थे, लिहाजा वो बार बार डॉक्टर से फरियाद करते कि डॉक्टर साहब प्लीज कुछ भी करके मेरी बेटी को ठीक कर दें, आप जितने चाहें पैसे ले लें। दूसरी जानिब हुरैन नफसियाती अस्पताल के एक बिस्तर पर लेटी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि वो मुझे मार देगा, वो आ रहा है, देखो वो मुझे मार देगा, और कभी जोर जोर से कह कह लगाती।
कहा जाता है कि उसके वालदैन ने लाखों रुपए उस पर लगा दिए, लेकिन ये ठीक ना हो सकी। नाज़रीन ग्रामी, ऐसी कुछ कहानी एबटाबाद की 18 साल किरण खान की है, जो 10वीं जमात की तालबा थी जब उसे मंशियात की लत लगी। किरण गैर मराद याफ्ता खानदानी पसे मंजर से ताल्लुक रखती है और वो एक तालीम याफ्ता और बाज़मीर शख्स की बेटी है, मगर गुज़श्ता 1.5 बरस से वो आइस की लत का शिकार रही। किरण कहती है कि मुझे जिंदगी में खुशी पाने की ख्वाहिश ने मंशियात के इस्तेमाल की तरफ मायल किया, जबकि उसने मजीद बताया कि उसे यह सोच सताती है कि उसके हम जमात हमेशा खुश दिखाई देते थे, हालांकि उन पर भी स्कूल की पढ़ाई का वैसा ही बोझ होता था जैसा खुद उस पर होता है। लिहाजा इस सूरत हाल को देखते हुए जब किरण ने अपनी हम जमात एक साथी तालबा से इस इत्मीनान का राज पूछा, तो उसे बताया गया कि मंशियात दर्द और दबाव को दूर कर देती है। यूं किरण ने सिगरेट शुरू कर दिए और कुछ अरसे बाद आइस की लत का शिकार बन गई। किरण ने बताया कि आला सतह के इदारों की इंतजामिया मंशियात की लानत को फैलाने में अहम किरदार अदा करती हैं। टीचर ज्यादातर इम्तियाजी रवैया अपनाते हैं और वो जहीन तालिबे इल्मों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, जबकि दीगर को नजरअंदाज कर देते हैं, और इसी किस्म के रवैयों से तालिबे इल्मों में अदम तहफ्फुज का एहसास और गैर जरूरी दबाव पैदा होता है, जिसको कम करने के लिए फिर वो नशे की जानिब मायल होते हैं। किरण का कहना था कि यही वजह है कि ज्यादा पढ़ाई में कमजोर तालिबे इल्म ही मंशियात की लत का शिकार बनते हैं और पढ़ाई से मुतलका दबाव तालिबे इल्मों को इस रास्ते पर मायल करता है। वो मजीद बताती है कि इसे यह भी बताया गया था कि मंशियात के इस्तेमाल से तालिबे इल्म बेहतरीन अंदाज में पढ़ाई कर पाते हैं, ताहम इसका तजुर्बा यकसर इसके बरक्स रहा और उसके ग्रेड्स बेहतर होने की बजाय उसकी कारकर्दगी मुंह के बल आ गिरी। इसी तरह पिशावर यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम इंजीनियरिंग के तालिबे इल्म दानियाल बताते हैं कि जब मैंने आई सिगरेट में भर कर इस्तेमाल करना शुरू की तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मुझे इसकी लत लग जाएगी। ये बासानी दस्तयाब थी और हर कोई इसके बारे में जानता था, लिहाजा मैंने सोचा कि इसके इस्तेमाल में कुछ गलत नहीं है। दानियाल अपनी आदत का दिफा करते हुए बताते हैं कि इसने मुझे इम्तिहानात की तैयारी में मदद फराहम की, क्योंकि इसके इस्तेमाल से मैं काफी देर तक जाग पाता हूं। उनसे जब पूछा गया कि आया वो आइस का इस्तेमाल तर्क करना चाहते हैं या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हां, बस एक बार मेरे हाथ में डिग्री आ जाए। नाज़रीन ग्रामी, इन जैसी और भी बेशुमार ऐसी सच्ची कहानियां मौजूद हैं जिनमें सिर्फ इस नशे की वजह से हंसता बसता इंसान इस जहन्नुम में कूद जाता है और फिर बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जिसे हम मौत कहते हैं। लेकिन यहां एक काबिले गौर बात यह भी है कि इससे कई गुना सुस्ती और गफलत के इर्तकाब पाकिस्तान की हुकूमतें कर रही हैं। हुकूमत की तरफ से इस नशे की रोकथाम के सिलसिले में अब तक किसी भी किस्म के कोई काबिले जिक्र इकदाम नहीं किए गए, जबकि मजीद तकलीफ दे बात यह है कि अभी तक खसूसी तौर पर आइस के स्मगलरों और पीने वालों के लिए कोई सजा ही मुकर्रर नहीं की गई। मेरी इस वीडियो के तवस्सुत से हुकूमत वक्त से भी दरखास्त है कि हालात की नजाकत का एहसास करते हुए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसके सदेबाब के लिए कानून साजी की जाए और इस लानत से जुड़े तमाम लोगों के लिए सख्त से सख्त सजाएं मुकर्रर की जाए, जबकि इसके खिलाफ बिला ताखीर फौरी सरकारी मुहिम शुरू की जाए ताकि इस मोहलिक नशे का जड़ से खात्मा मुमकिन हो सके और हजारों कीमती जानों को बचाया जा सके। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस लानत से बच सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।